अस्सलाम वालेकुम, मैं नैया सदफ और मैं यूट्यूब का चैनल का नाम है न्यू सोच के साथ। मैं बेसिक तौर पे एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन हूँ और मेरी एक आदत है, हॉबी होती है, ऐसे लोगों की नेचर होती है कि उनके पास जो भी थोड़ा बहुत इलम होता है वो दूसरों तक मुंतकिल कराते हैं ताकि हमारे साथ साथ वो भी फ़ायदा उठाते रहे। ये फिर बिल्कुल मेरे लिए नहीं है, आखिर तक आप पूरी देखेगा इसमें आपके लिए ही फ़ायदा है। मैं सर्च करती हूँ, मैं काफ़ी टाइम लगाती हूँ सर्च करने में, जो जो बात मुझे नहीं मालूम होती मैं उसके तहत जाने की कोशिश करती हूँ। जो इलम मुझे हासिल हो जाता है मैं अपने तक मुंतकिल नहीं करती, मैं आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। अल्लाह ताला जिसको जितना फ़ायदा हो अल्लाह वो हासिल कर सकता है। हमारे एक जानने वाले हैं, उनका यूट्यूब चैनल जो है काफ़ी सालों से है और उनके सब्सक्राइबर भी बहुत हैं, व्यूज़ भी बहुत हैं। जब उन्होंने YouTube को मोबिटाइज कराने के लिए अपना चैनल दिया तो वहाँ से इनको मैसेज आया कि आपका नहीं हो सकता, अभी आप पेंडिंग में आप नहीं हो सकता। जबकि उनके ख्याल में उनकी वीडियो भी बहुत अच्छी है, उनका हर चीज़ परफेक्ट है, फिर ऐसा क्यों हुआ? तो जब 18 महीने हो गए उनके YouTube को दिए हुए एप्लीकेशन के मेरा करे और कहीं जवाब नहीं आ रहा, तो उन्होंने एक बार दो शुरू करी तो एक्सपर्ट ने उनको ये बताया कि आपकी यूट्यूब ने भी उनको बताया आपकी वीडियो जो आपने इतनी सारी बना ली हैं उसमें से अक्सरीत में वीडियो में वॉइस नहीं है, आपने विदाउट वॉइस बनाई है तो इस वजह से रुका हुआ है। ठीक है, आपके चैनल में अगर ज़रूरत से ज़्यादा वॉइस नहीं है, ऐसी वीडियो आप बना रहे हैं तो इससे ज़रा आप रुके रहेंगे। मैं बार बार इस चीज़ को आपको बताती हूँ, किसी का हो जाना ये सवाल करेंगे भाई फलां का हो गया हमारा नहीं हो गया। मैंने ऐसी भी वीडियो भी देखी जो ये लगे थे नहीं, ये ऐसी बात नहीं, आप बगैर आवाज़ के वीडियो बना सकते हैं। अगर हज़ारों में से एक दो वीडियो ऐसी बनी हो फिर YouTube वाले बना आपको पास कर देते हैं, आपका चाहे मोबिटाइज कर देते हैं, इसका ये मतलब नहीं आप सारी 80% जो है इस तरह की वीडियो बनाना शुरू कर दें। ठीक है, आपकी अक्सर जो होती है आवाज़ के साथ होनी चाहिए और कुछ कभी कभी हो जाए तो बगैर आवाज़ के तो कोई मसला, लेकिन मेजॉरिटी आप नहीं बना सकते। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दूसरा उनका मसला जो था वो ये था कि उनके दो चैनल थे अपने ही मोबाइल के, अपने ही मोबाइल से वो एक ही ईमेल पे वो दो चैनल उन्होंने बनाए और दोनों को वन बाय वन, अगर एक उनका पेंडिंग हो गया था तो उन्होंने दूसरा भी चैनल भी भेज दिया। अब ये और दो उनकी प्रॉब्लम हो गई, जो ये समझ रहे थे एक नहीं हो रहा चलो मैं दूसरा भेज दूँ YouTube को ये हो जाएगा, तो ये उनके लिए और बड़ा मसला बन गया। अब ये आप पूछेंगे ये बड़ा मसला कैसे बन गया, ये इसका राइट साहब। तो मेरे प्यारे व्यू, मेरे प्यारे परेशान होने की बात है लेकिन मसले को समझना है। हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं, हम पहले ही जो लोग इतने कामयाब होने के बाद मुश्किल उठाते हैं हम अभी से ही वो मुश्किलों को संभालें। ठीक है, अच्छा, जब उन्होंने अब एक उनका पेंडिंग था YouTube में तो उन्होंने एक ही जो उससे बनाया था जीमेल से दो वीडियो बनाए, चैनल बनाए और फिर दूसरा भी भेज दिया, तो उनके लिए मुश्किल हो गई। YouTube आपको परमिशन देता है कि आप एक ही मोबाइल से एक ही जीमेल से जितने चाहें चैनल बना लें, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये है कि जब आपने उसको एक मोबिटाइज के लिए एक चैनल भेजा है वो पेंडिंग में, उस दौरान आप उस आईडी से बना हुआ दूसरा कोई भी चैनल बना हुआ है उसे मत दें जब तक एक का फैसला ना हो जाए। एक में ही आपको सजा मिलने जा रही है, आपके बारे में सोच रहा आप दूसरा भी दे देते हैं तो वो नज़रों में आ जाता है। पहले एक को पास होने दें, एक को क्लियर होने दें, फिर दूसरे को आप भेजें, एक का फैसला आने दें फिर दूसरे का करें। मेरे ख्याल है बात समझ में आ गई होगी कि हमने मोस्टली अपने वीडियो चैनल पे विदाउट वॉइस वीडियो ज़्यादा नहीं बनानी। दूसरी, अगर आप मोबिटाइज के लिए अपना चैनल यूट्यूब को भेजते हैं और वो पेंडिंग में है तो आप उस वक्त अपना दूसरा चैनल मोबिटाइज के लिए नहीं भेजें जब तक पहले का फैसला ना हो जाए। मैं समझती हूँ अच्छी समझ आ गई होगी आपको, आप भी इन बातों का ख्याल रखेंगे क्योंकि आप जा रहे हैं अपने चैनल को मोबिटाइज की तरफ, जो कि अभी हम कामयाबी की दौड़ में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह
हिम्मत करें, हौसला करें, अगर हमारे भाई बहन गांव वाले कामयाब हो सकते हैं जो जो इतनी इलम नहीं रखते, तो हम इतना इलम रख के हिम्मत हार जाएं, मैदान छोड़ जाएं, ये हमारी सिर्फ में शामिल नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला उनको भी तरक्की दे और हमको भी तरक्की। अच्छा जी, फिर हाजिर होंगी नए वीडियो के साथ, नई सर्च के साथ। जब तक इंतजार के आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और अच्छे अच्छे कमेंट दें कि आप और क्या जानना चाहते हैं।